दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड बरकरार है। रविवार को भी लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिखी। मौसम साफ जरूर है और धूप जरूर निकली हुई है, हालांकि सुबह हल्का कोहरा दिखा है। मौसम विभाग के अनुसार हो सकता है कि जनवरी के आखिरी दिन रविवार को भले ही दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिले, लेकिन 1 फरवरी से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ ठिठुरन से हल्की राहत दे सकता है। अगले सप्ताह हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि आमतौर पर जनवरी के आखिर में सर्दी कम होने लगती है, न्यूनतम तापमान भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार जनवरी के अंतिम दिनों में भी शीतलहर चलती दिखी है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कई डिग्री कम रहा है। फरवरी में ये स्थिति कुछ सुधर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 5.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से कम यानी 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।